वीडियो पहले ही बोला रिसेप्ट की छट ने करण भाई। अरे पीछे भाई गेम कर दिया आपने। अरे दो 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 भाई स्कैम कर दिया भाई। भाई रुक भाई 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 क्या भाई भाई ऐसा मत। वेट कर दिया हां ठीक हो गया। बाद में बाद छोटू बाद में अभी नहीं। ओके बाय बाय पांडे इधर हो गए। हेलो तो अभी आप साथ में रहोगे जब भी? हां पक्का पक्का। एक मिनट करण भाई रुको ना, शूटिंग चालू जाएगी तो फिर बिजी रहेंगे ना बहुत। हाँ कल से चालू। करण सर यहाँ पे वेट वेट करण भाई मेरे को मिला नहीं है। एक एक मिनट इनका सब कुछ बता दीजिए मैम के बारे में। अभी तो कल का प्रॉब्लम आज का दिन कैसा तो आपने पूरा देखा हमारे को एक साल। अभी तो बट बहुत खुश हैं कि तेजस्वी जीती है और बहुत सारे लोगों ने बहुत पूरे कंट्री ने इनफैक्ट बहुत प्यार दिखाया है उसे भी मुझे भी प्रतीक को भी। सो ये चार महीने की जो हमारी जर्नी रही है ये काफ़ी मुश्किल रही है बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत खुश हैं कि ये जो शो है इसने हमें इतना प्यार दिया है। इतना लोगों ने हमें पूरे हिंदुस्तान में पूरे देश में पूरी कंट्री में सब जगह पूरी दुनिया से हमें इतना प्यार मिला है। तो अब टाइम है इंजॉय करने का। जब ने मेहनत की है उसका फल अब हमारे को मिलेगा। सर सो सर मैं फैंस के लिए कुछ बोल दीजिए। हाँ मैं अपने फैंस को जब से मैं आया हूँ मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया बहुत काइंडनेस दिखाई उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब 24 के 24 जो कंटेस्टेंट थे हमारे नॉट जस्ट द टॉप 3 नॉट जस्ट द टॉप 4 सबको सब ने वेरी थैंकफुल वेरी ग्रेटफुल किया हमें इतना सारा प्यार। सलमान सर के बारे में कुछ बता। सलमान भाई एक ऐसे मेंटोर हैं जिन्हें यू नो डिसअपॉइंट ना करने की हमारी एक वो होती है कि यार सलमान भाई नाराज़ नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी गालियाँ पड़ती थी हमें। तो बहुत ही अच्छी जर्नी थी बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें रखा है। हम गलतियाँ करते थे हमें सुधारने का मौका मिलता था यू नो एक मज़े आए हैं हमें सलमान भाई के। जितने हम पहले फ़ैन थे उनकी फ़ोटोज़ के उनकी पिक्चर्स के उनकी मूवीज़ के अब एज अ पर्सन हम उनके फ़ैन हैं कि हम तो गए हैं 17 हफ्ते उनसे बातें की हमने। सो वे वेरी वेरी हैप्पी कि हमें एक मौका मिला। कल रात से जब से विनर डिसाइड हुआ है तब से ट्विटर पे आप दोनों ही ट्रेंडिंग बहुत ट्रेंड हो रहा है। करेक्ट आई थिंक मुझे हमें अंदर नहीं पता था कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है हम दोनों को। हम तो कुछ भी कर रहे थे मैं पंजाबी में कुछ भी बोलता रहता था मुझे नहीं पता था कि ऑन एयर जा रहे हैं। इतनी सारी गप्पे मारी हैं हमने अंदर। आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था ये 4 महीने से मैंने वहाँ पर स्पेशली तेजा के साथ और उमर के साथ निशांत के साथ सबके साथ मेरे सारे जितने भी दोस्त थे वहाँ पर। एक लाइफ ऑल्टरिंग जर्नी रही है ये और अब बस अब प्लान है आगे काम करने का और आगे बढ़ने का। अच्छा सब क्या देखने मिलेगा आने वाले दिनों में? अभी तो पता नहीं आज कल रात को आज सुबह ही आए हम लोग सब घर। आज पहला दिन था आज मैं चाहता था कि पूजा के साथ टाइम स्पेंड करूँ क्योंकि बहुत देर में बहुत जल्दी बिजी होने वाली है नानी के साथ। कोई बाद में वक्त कम मिलेगा। पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर मेरे आए हुए हैं उसके पेरेंट्स भी हैं तो लोग। लेकिन सर आपने जो मराठी में जो बोला था साथ गेहूं या वसु या उनके बारे में कुछ बता दीजिए वो भी अच्छा था। सादेला ना बाबा मिला का है कारण में खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे क्या आपको? अभी बहुत अर्ली है अभी तो मैं कोई पूरा 24 घंटे भी नहीं हुए आई थिंक अभी बिग बॉस हाउस से बाहर निकले को। तो अभी मैं अभी तो ये अभी चांद दिखा है तारे दिखे हैं पेड़ दिख रहे हैं कुत्ते दिख रहे हैं सड़क पे लोग दिख रहे हैं ऑटो देख के बड़ा खुश हुआ मैं। 4 महीने कुछ नहीं देखा हमने सांस भी नहीं लिया पूरे एसी में रहे हैं हम वहाँ पर और इतना मुश्किल रहता है वहाँ पे बाहर का कोई न्यूज़ नहीं होता। अभी चीज़ें पता चल रही हैं बाहर ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो अभी तो वही चल रहा है। मैं बहुत ओवरवेलम्ड हूँ इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे इतना प्यार मिल रहा है और यू नो इतने सारे लोग हैं इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इतने सारे फैंस जुड़े हैं देश भर से दुनिया भर से। तो वो जो एक जो मेहनत का फल है वो जो यू नो प्यार मिल रहा है हालाँकि मैं हार गया बट मुझे इतना यू नो जो दिल से जुड़े हैं ना लोग वो हमारे एक एक इमोशन उन्होंने देखा है वो एक अलग फीलिंग है जो पहले 13 साल के करियर में ठीक है वो हमें देखते थे हम किरदार निभाते थे वो कहते थे आप अच्छे एक्टर हो फिर अब वो कहते हैं आप अच्छे इंसान हो और हम आपको जानते हैं हम आपके साथ हंसे हैं आपके साथ रोए हैं आपके साथ लड़े हैं। तो ये एक अलग लेवल की फीलिंग है जो प्रिंस ने यू नो
युविका भाभी ने, इन सब ने मुझे बताया था कि होगा ऐसा, बट मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। अब पता चल रहा है कि ये जो जर्नी रही है ये सिर्फ हमारी अंदर नहीं थी, ये सबकी यू नो एक साथ थी। तो जो प्यार मिल रहा है वो मुझे, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मोहब्बत ऐसे लेके बिग बॉस तक जी सर कुछ कर लिया। हाँ जी, अभी जस्ट हम मोहसिन जी को मिल के आए। उनकी गाड़ी उधर कर आपकी। अच्छा, वो हाँ मेरी बात हुई थी मोहसिन से आज। मोहसिन ने मुझे बताया था कि वो आ रहा है इस साइड आज, तो मेरा प्लान था एक्चुअली मुझे मोहसिन के घर जाना है, तो क्योंकि मैं जब हम कर रहे थे ये रिश्ता खत्म कर रहे थे तो मोहसिन का घर रेडी हो गया था, पर मैं बिग बॉस में आ गया तो उसने बुलाया था अपने घर, मैं नहीं जा पाया। अंकल आंटी को भी मिलना है, उसका भाई मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैंने आज वही बोला उसको कि 3-4 दिन थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि बिग बॉस उसमें सोने नहीं देते ना, वो सुबह सुबह गाना बजाते हैं चीज़ें, तो अभी सोने का टाइम मिल रहा है थोड़ा। सो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मुझे जाना है, मौसी के घर जाना है, पारस के घर जाना है, तो सो जैसे होता है धीरे धीरे सबसे मिलना शुरू। थैंक यू सो मच करण भाई। करण भाई एक 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 करण भाई नंबर दो, नंबर सर करण भाई वो रिक्शा 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 करण भाई, तेजस्वी तेजस्वी मैम के साथ आपका कोई अभी सॉन्ग आएगा जैसे ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग का? चाहते तो हम हैं, अब चाहते तो हैं, बट अभी क्या मैं बता रहा हूँ ना, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए अभी हम बाहर निकले, अभी तो हम ये देख रहे हैं चांद तारे पेड़ देख रहे हैं, सो वो जब खत्म हो जाएगा तो आपको सबसे पहले बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते रहेंगे अभी। ले लो नंबर।